डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खास रहे हनुमान बेनीवाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को बेनीवाल ने एक बार फिर खारिज किया है। बेनीवाल फिर एक बार वसुंधरा सरकार से किसानों के पूर्ण कर्जा माफ करने सहित स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने और अपनी मांगों को दोहराते हुए खुलकर कहा कि भाजपा में नहीं जाऊंगा, जनहित के मुद्दों पर जन आंदोलन जारी रहेगा। वहीं राजपा के भाजपा में विलय पर राजपा के आमेर विधायक नवीन पिलानिया ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा को राजपा से ही राज्यसभा भेजने की बात होनी चाहिए थी, तभी भाजपा और राजपा का विलय माना जाता। सीकर के अंदर बहुत बड़ी रैली करेंगे, जो जन आंदोलन हमारा चल रहा है, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो और टोल मुक्त राजस्थान हो, किसानों को फ्री बिजली मिले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो और 4 लाख खाली पद भरे जाए, बेरोजगारी भत्ता और मजबूत लोकायुक्त को लेके हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर छेड़ा था। डॉक्टर साहब ने भी बहुत रैलियाँ की थी, मैं उनकी रैलियों के अंदर गया था, मैंने भी बहुत बड़ी 3 हुंकार यहाँ से भरी थी, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर, वो भी हमारे साथ थे। निश्चित रूप से 4.25 साल के अंदर विधानसभा में कांग्रेस विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही थी। मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भी राजस्थान के किसान और जवान के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मैं मेरे स्टैंड पर कायम हूँ। सीकर की रैली करेंगे और सीकर की रैली के बाद जल्दी जयपुर की रैली हम करेंगे और वो 15 लाख लोग वहाँ इकट्ठा होकर नई पार्टी हम राजस्थान के अंदर बनाएंगे, तीसरा मोर्चा राजस्थान में बनाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं जाऊँगा। गौरतलब है कि राजपा के 4 विधायकों में 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, साथ ही राजपा का विलय भी भाजपा में कर दिया गया, लेकिन किरोड़ी मीणा के खास हनुमान बेनीवाल और राजपा विधायक नवीन पिलानिया का अभी भी विरोध जारी है।